2024 एक नया साल और आपको करनी है एक नई शुरुआत। तो आप जरूर सोच रहे हो कि इस साल में ये सीखूंगा, ये सीखूंगी, और हर साल रेजोल्यूशन में हम यही सोचते हैं कि दिस ईयर वी लर्न समथिंग, बट हम सीख नहीं पाते। क्यों नहीं सीख पाते उसको समझते हैं, और कैसे सीखना जरूरी है, कैसे सीख सकते हैं। जॉब करते करते मैंने कई सारी चीजें सीखी हैं, मैं आपको बताता हूं। और इस टेक्निक को अगर आप समझ जाओ और यूज कर पाओ तो 2024 में जो भी आपके लर्निंग गोल्स हैं एटलीस्ट वो पूरे हो जाएंगे। तीन से चार दिन के अंदर आप किसी स्किल को सीख सकते हो, उसमें बेटर हो सकते हो, उसमें थोड़ी मास्टरी भी हासिल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है प्रिपरेशन। कैसे करते हैं ये प्रिपरेशन? सबसे पहला स्टेप क्या है? देखो, अगर मुझे आज एक बड़ी सी पार्टी देनी है तो मैं आज के आज उस पार्टी की प्रिपरेशन तो शुरू करूंगा नहीं। मैं पहले से ही गेस्ट लिस्ट तैयार करूंगा, मैं पहले से ही तैयार करूंगा कि क्या खाना बनाना है, क्या गेम्स खिलाना है, सब कुछ करूंगा, है ना। पर जब हम लर्निंग का सोचते हैं, जब हम लर्निंग मैराथन के लिए तैयार होना सोचते हैं, हम सोचते हैं कि 3 दिन में हम ये स्किल सीख जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम पहला दिन तो बस ये देखने में कि कहां से सीखे, क्या सीखे, YouTube का ये वीडियो, वो वीडियो, टाइम पास करते रहते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, कहते हैं कि 10% आपका जो समय है लर्निंग का किसी भी चीज को, आपको प्रिपरेशन में और प्लानिंग में लगाना चाहिए। कैसे? सबसे पहली चीज ये है कि कहां से सीखना है, कि मुझे कौन सा टीचर, कौन सा वीडियो, कौन सा कोर्स अच्छा लग रहा है, मैंने उसका थोड़ा डेमो ले लिया है, देख लिया, मुझे लग रहा है सही है, मैंने उसके कुछ बना भी लिया है, मुझे लग रहा है हां ये इंसान या ये ट्रेन मुझे इस जर्नी पे लेके जा सकती है। सबसे पहले दूसरी चीज, क्या सीखना है, क्यों सीखना है और कितना सीखना है। कितना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या सीखना है ये आपने डिसाइड किया, क्यों सीखना है इससे मोटिवेशन आता है, और कितना, क्योंकि देखो कोई भी स्किल है ना, आप 4 दिन के, 40 दिन के, 400 दिन में भी पूरा का पूरा नहीं सीख सकते। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, हमें 4 दिन में एक लंबी दौड़ लगानी है, 3 दिन में एक लंबी दौड़ लगानी है कि हमारा मोटिवेशन हाई हो जाए। तो जो पहला बार होता है कोई चीज सीखने का, उसको अगर हमने उस थ्रेशोल्ड को थोड़ा क्रॉस कर दिया 3 से 4 दिन के अंदर, तो आप देखोगे उसके बाद उस पर दौड़ना आसान हो जाता है। पहले दिन जिम जाना मुश्किल, दूसरे दिन जिम जाना मुश्किल, तीसरे चौथे दिन अगर चले गए तो 5वें 6वें दिन जाना इजी हो जाता है। स्किल के साथ भी यही है कि अगर 4 days 40 hours आपने इन्वेस्ट कर दिया किसी चीज के अंदर, तो उस 40 hours के बाद वो स्किल आपको अक्वायर करना, उसमें ग्रो करना इजी होता है। लेकिन उस 40 hours में, उस 30 hours में क्या चीज सीखे, कितना सीखे, कहां से सीखे, ये चीजें आपको उन 40 hours में, उसके पहले प्लान कर लेनी है। तीसरी चीज जो प्रिपरेशन के अंदर, यानी कि 1.3 अगर पॉइंटर बोले तो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एसेंशियल्स का ध्यान रखना। इसका क्या मतलब होता है? देखो, तुम एग्जाम देने जाते हो तो क्या एक फोकस रहता है ना, अगर एग्जाम का टाइम चल रहा है 4 दिन 5 दिन 10 दिन के जो एग्जाम्स होते हैं, एंड सेम्स होते हैं, कुछ भी, तो आपको क्या फोकस रहता है उस समय, आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या लेके परदेश जाएंगे, इन चीजों पर टेंशन नहीं देते हो। इसी तरह जब आपको ये 4 दिन का मैराथन करना है, 3 दिन का मैराथन करना है, 40 घंटे लगाने हैं, एक स्किल सीखना है, देखो 365 दिन में से 361 दिन रोज सोचो, ठीक है, लेकिन ये 4 दिन क्या खाना है पहले से सोच के रख लो, वो भी सोच के रख लो। तो मैं एक चीज करता हूं, मुझे बिरयानी बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं ढेर सारी बिरयानी और आइसक्रीम ऑर्डर करके रख लेता हूं। अब मुझे 4 आइटम और नहीं खाने, मैं बिरयानी आइसक्रीम में मेरा 2 दिन निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक आइटम 2 बार खाने से किसी की मौत नहीं हुई आज तक। तो इतना ज्यादा खाने पे ऑब्सेस मत करना। ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि जब आप पढ़ने लगोगे और 6 घंटे बीत चुके होंगे तो आपको डिस्ट्रैक्शन चाहिए, और खाना बहुत अच्छा डिस्ट्रैक्शन है क्योंकि उसमें आपको बहुत सारा टाइम लगता है और आपको ये तो एसेंशियल है, ये डिस्ट्रैक्शन थोड़ी है, ये तो जरूरी है, खाना जरूरी है, खाने पे सोचना जरूरी नहीं है। तो ये 3 चीज आप प्लान करके रखिए day 1 के पहले। पहला, कहां से सीखना है, दूसरा कितना सीखना है, तीसरा खाना पीना सोना एसी टॉयलेट पानी सब चीज का इंतजाम पहले से होना चाहिए, तब आएगी एग्जाम की घड़ी। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे, जहां स्टार्ट करना है। आज आ गई है परीक्षा की घड़ी, आज आ गया है दौड़ का दिन, यानी कि मैराथन आज शुरू होने वाला है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले कि अगर मैंने माना है कि मुझे 9 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, कोई स्किल सीखना है, तो मैं प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि यार अभी तो 8 बजे हैं, 10 बजे शुरू करते हैं, अरे 10 बजे से 9 घंटा 7 बजे जाएगा, अरे 11 बजे शुरू करें तो 8 बजे तक कर लेंगे, 12 बजे शुरू करते हैं 9 बजे तक कर लेंगे। ये हम सब करते हैं, आप भी करते हैं, आपको भी पता है। तो ये नहीं करना है, एक टाइम निर्धारित कर देना है पहले ही कि 9 बजे शुरू करना है और 9 से 6 मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे स्किल सीखना है, इसको खत्म करना है, 6 बजे के बाद मुझे इसे खत्म करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर 6 बजे खत्म करने का टाइम है तो 9 बजे शुरू करने का टाइम होना चाहिए। इसमें एक और चीज बहुत जरूरी है, अगर आप ये नहीं करोगे, अगर आप ये 6 घंटे 9 घंटे का प्लान नहीं बनाओगे, तो क्या होगा, आप बीच में 12-1 बजे के आसपास, क्योंकि आदत तो है नहीं इतने पढ़ाई करने की, अब लोग यार थोड़ा सा रील देखते हैं, थोड़ा शॉर्ट देखते हैं, मित्र हमारे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सोशल मीडिया पे देखते हैं, और फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा 4 घंटा तो हो गया, अब तो 4 ही घंटा और करना है ना, तो 1 घंटे बात कर लेंगे। तो हम सब अपने आप को ये धोखा देते हैं।
देते हो ना, सच बता दो, धोखा देते हो ना। ये धोखा नहीं देना है, इसलिए एक स्ट्रिक्ट रूल बनाना है कि 9 to 6 तो करना है और उस बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। फूड का डिस्ट्रैक्शन हमने एलिमिनेट कर दिया था, सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन भी एलिमिनेट करके रखिए। अपने दोस्तों को पहले ही कह दीजिए कि यार 4 दिन भैया हमें भूल जाओ, हमारे एक एग्जाम है, कुछ भी बहाना बना लीजिए, हमारे एक एग्जाम है, हमें ऑनलाइन 4 दिन एग्जाम देना होगा, हमारे पास एकदम समय नहीं रहेगा। स्टेप 2 का 2.1 था कि प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, टाइम पे शुरू करना है। 2.2 था कि आपको डिसिप्लिन रहना है और डिस्ट्रैक्शन हटाना है। और 2.3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ये कि आपको टाइम पर फिनिश भी करना है। क्यों? क्योंकि देखो पुराने जमाने में जब युद्ध होते थे तो वो भी रात को बंद कर दिया जाते थे कि जाओ भैया घाव सुखाओ, आराम से रो गाओ, अगले दिन आगे फिर लड़ेंगे, आराम से लड़ेंगे, है ना। तो युद्ध लड़ने जा रहे हो, 4 दिन के लिए लड़ना है, तो बॉडी और माइंड को वो रिलैक्सेशन चाहिए। तो ये नहीं कि अरे अब भाई मूड आ गया अब तो भाई बस कर लेंगे, ताकि हवा जो है वो पूरी की पूरी 2 दिन में निकल जाए, हमें तो 4 दिन खींचना है। तो शाम में 6:30 बजे आपको बंद कर देना है। उसके बाद कोई मूवी पहले से प्लान करके रखिए, कोई सीरियल पहले से प्लान करके रखिए, दिस इज योर रिवॉर्ड फॉर जॉब वेल डन। कुछ खाना पहले से प्लान करके रखिए, घूमना है तो प्लान करके रखिए। पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि 9:30 तक आपको फिर से सो जाना है, क्योंकि अगले दिन फिर आपको इतनी एनर्जी चाहिए 8-9 घंटे बैठ के लगातार। इसके लर्न करने की कैपेसिटी हर किसी में एक बार में नहीं होती, तो आपको रिलैक्स के साथ साथ रेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। नया साल आया है, मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप भी अपना हैप्पी न्यू ईयर विश कमेंट में जरूर छोड़ते जाना। हैप्पी न्यू ईयर 2024 तने भैया, प्यारा सा एक कमेंट डाल के जाना। स्टेप 2.4 डेलिबरेट प्रैक्टिस, इस पर 2 मिनट बात करेंगे। ये बहुत जरूरी है अगर आपको स्किल सीख रहे हैं तो। इसमें क्या होता है कि अगर आपको कुछ भी सीखना है तो आपको जो डिफिकल्टी का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ाते रहना चाहिए। इस चीज हम हर जगह देखते हैं, हम बचपन में पहले ABCD पढ़ते हैं, फिर सेंटेंस बनाना सीखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन सीखते हैं, तो हर बार आपका स्किल का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, डिफिकल्टी का लेवल बढ़ता जा रहा है। जिम में भी आप देखते हो, बाइक चलाने में देखते हो, स्विमिंग करने में देखते हो, हर स्किल लर्निंग में ये चीज होती है कि धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ना चाहिए। तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें खुद को थोड़ा चैलेंज करते रहना, बीच बीच में डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते रहना, स्पीड बढ़ाते रहना। क्यों? क्योंकि नहीं करोगे ये चीज तो बोरिंग हो जाता है, और नहीं करोगे ये चीज तो लर्निंग में नहीं हो पाती है। तो कुछ क्विजेस, कुछ टेस्ट, कुछ वर्कशॉप, कुछ भी ऐसा कि यार अब मैं ना ये पढ़ लिया, चलो मान लो मैं कोडिंग सीख रहा हूं, तो मैंने ये कोडिंग का पढ़ लिया, अब मैं ये वाला प्रोग्राम बिना देखे लिखने का प्रयास करता हूं। तो ऐसे एक्सरसाइज आपको खुद के लिए खुद से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो लर्निंग जो 4 दिन में है ना वो उतनी सॉलिड, उतनी तगड़ी बॉडी नहीं बनेगी, समझ रहे हो ना। अब आते हैं स्टेप 3 पे, जहां पे आपको पुश एंड फिनिश करना है। क्यों? देखो पहला दिन तो आप कर लिए, अगर आपने मेरी बात मानी तो दूसरा दिन भी आपका हो जाएगा, पर तीसरे चौथे दिन में बड़ी मुसीबत होगी। क्यों? आदत नहीं है। हम सबको इतनी सारी पढ़ाई करने की, इतने सारे सीखने की एक बार में आदत नहीं, हम सब कलेक्टिव फेलियर है, हमें नहीं आता ये सब करना। अनलेस कोई एग्जाम हो, फेल का डर हो, है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन इतना हावी होता है कि आप सोचते हो यार 2 दिन कर लिया यार, अब तो यार अरे अब तो मुझे आ गया भाई, अब मैं कर लूंगा, अब मैं अगली बार कर लूंगा, और ऐसे करके आप खुद को एक्सक्यूज दे देते हो। ये मत करना। मैं बताता हूँ क्यों मत करना ये चीज। पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये करना मत, दूसरा क्यों नहीं करना ये समझना जरूरी है। ये एक मसल है, ये एक स्किल है, कम टाइम में स्किल सीख पाना, फास्ट स्किल ग्रहण कर पाना, ये एक स्किल है। इस स्किल को सीखने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। इवन जब आप जॉब में भी जाते हो और कोई आपको बोलता है कि आपको ये चीज नहीं आती है या ये चीज तुम्हें आनी चाहिए तने, तो आपको लगता है कोई बात नहीं, मुझे आता है, कैसे सीखना है, मैं एक वीकेंड में, एक फ्राइडे ऑफ लूंगा, एक लॉन्ग वीकेंड करूंगा, 3 से 4 दिन में मैं ये सीख जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे स्किल रीलर्निंग से डर नहीं लगता। ये आज के टाइम पे और भी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि AI जो है छोटे छोटे स्किल्स को लेता जा रहा है, तो आपको बहुत फास्ट ग्रो करना पड़ेगा अपने जॉब में। कहीं भी आप जाओ, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट जॉब हो, हर जॉब में डिमांड टू लर्न एंड रीलर्न बढ़ती जाएगी 2024 में, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इट इज अ मेजर स्किल टू लर्न अ स्किल, और ये बहुत कम लोगों के पास होती है। इस मसल को भी आपको वैसे ही बिल्ड करना पड़ता है, जैसे आप जिम में जाते हो, मैराथन में जाते हो, आप एक मसल बिल्ड करते हो, इसको भी बिल्ड करना पड़ता है। और तीसरे दिन आपका ये मसल में लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लगेगा, आपको इस मसल में दर्द होने लगेगा, आपको लगेगा नहीं यार 2 दिन कर लिया यार बहुत अच्छा है। तब मेरी बात ये याद रखना, ये वीडियो खोल के देख लेना, यहां मत छोड़ो, क्योंकि बहुत बड़ा विन होगा अगर तुम तीसरे दिन भी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए इसको कंप्लीट करो और 4th डे भी कंप्लीट करो। क्या इंपॉर्टेंट है, एक बार ये भी समझते हैं कि कितना सीखना है। जितना आपने सोचा हो सकता है आप नहीं सीख पा रहे हो, आपको टाइम ज्यादा लग रहा है। अब मैंने आपको बोला डेलिबरेट प्रैक्टिस करने के लिए, डिफिकल्टी बढ़ा के खुद को टेस्ट करने के लिए, तो आपको और मुश्किल हो रही है, आपको लग रहा है यार कुछ भी हो जाए तो मैं 4 दिन तो इतना खत्म कर नहीं सकता। ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि कितना खत्म करना है, वो हमने गोल बनाया था सोच कर कि 4 दिन में इतना होगा, हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है,
पूरे के पूरे एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज को करना, 4 दिन खुद को लगातार बैठाना, डिसिप्लिन में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, टाइम पे सोना, खाना और पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अगर आप ये स्किल 2024 में सीख जाते हो तो जो भी स्किल आपको सीखने का मन है आप क्या करोगे, आप 4 दिन उसमें एकदम तेजी से निकलोगे और फिर ग्रेविटी के बाहर निकल जाओगे। फिर स्पेस में क्या होता है कि फ्रिक्शन है नहीं, ग्रेविटी का पुल कम है, तो थोड़ा थोड़ा फ्यूल मार के भी बहुत दूर हम लोग जा सकते हैं, है ना। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब गिव अप करने का मन करे तो ये पूरा का पूरा जो मोनोलॉग था दोबारा सुन लेना, पर गिव अप मत करना मेरे भाई। ये जो डीप वर्क का कॉन्फिडेंस है, और आपको ये डीप वर्क बुक पढ़नी चाहिए, मैंने वीडियो भी बनाई है इसके बारे में, देखना चाहिए, ये आज के समय में सबसे बड़ा सुपर पावर है। ये डीप वर्क आपको इनफाइनाइट कॉन्फिडेंस देता है कि कुछ भी हो जाए मैं जॉब मार्केट में रेलेवेंट रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 8 घंटे 7 घंटे बैठ के 2 दिन 4 दिन लगातार काम कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि डीप वर्क एक बुक एज अ कॉन्सेप्ट, एज एन अंडरस्टैंडिंग, एज अ प्रैक्टिस आपके लिए 2024 में लाइफ चेंजिंग हो सकती है। स्टेप 4, अब क्या करना है, अभी बड़ा एंटी एडवाइस लगेगा आपको, अब आपको चाहिए रिकवरी टाइम। आप मैराथन दौड़ के आए, आपने बहुत हार्ड एक्सरसाइजेस की, आपने बहुत ज्यादा अपने बॉडी को दिमाग को पुश किया है, तो अब उसको कंटिन्यू नहीं करना है। 3 दिन हो गए 4 दिन हो गए जब भी आपने डिसाइड किया था, 3 दिन का डिसाइड किया तो 3 दिन का 4 दिन का डिसाइड किया 4 दिन का, उसके बाद 2 दिन आराम से घूमो फिरो जो करने का मन है। ये जब आप सोच कर बैठोगे तो शायद आपको अपने आप को खींचना भी थोड़ा आसान हो जाएगा कि यार 2 दिन की बात है, उसके बाद भाई बहुत मस्ती करेंगे, उसके बाद भाई ये घूम के आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है करो। क्यों? किसी भी स्किल को थोड़ा सा भूलने का समय देना चाहिए, तो वो भूलेगा थोड़ा और थोड़ा डिफ्यूज होगा। दोनों चीजें बहुत जरूरी है अगर आपको स्किल सीखनी है तो। जब ये 2 दिन में आप रिलैक्स हो जाओगे, थोड़ी चीजें भूल जाओगे, 70% रिटेंशन रहेगा आपका 100 में से, तब उसके 4+2+1 सेवेंथ डे जो है उस दिन आपको बैठना है, व्हाइट शीट्स रखने हैं और पेन लेकर जो भी आपको याद है, जो भी आपने पढ़ा है, जितना भी 1-2 घंटे अपने दिमाग को पूरा फिर से एक्सरसाइज कराओ कि क्या क्या मुझे याद है और लिखो। तो दिमाग में चीज होती है, इसका नाम होता है माइलिन। जितना आप कुछ चीज को रिकॉल करते हो और थोड़े भूलने के बाद रिकॉल करते हो, उतना वो चीज और स्ट्रांग हो जाती है आपके दिमाग में, आपको वो स्किल और अच्छे से आ जाती है। तो इसको यूज करना है हमें, ये जितना साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं उन सबको मिलाकर एक लर्निंग टेक्निक बनाई है जिसको मैंने बहुत यूज किया है। आप भी यूज करो, बताओ कैसा लगा, लेकिन हड़बड़ाना मत। 2024 आपके लिए करियर डिफाइनिंग ईयर हो सकता है अगर आप ये स्किल सीख जाए और इस स्किल के ऊपर और स्किल्स बिल्ड करते जाए। 2024 में ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जो आपके फर्स्ट जॉब तक, आपके करियर में सक्सेस तक ले जाएंगे, तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर देते जाना जिसमें बोलना हैप्पी न्यू ईयर 2024 तने भैया।